हेलो गाइस, कैसे हो। आज की वीडियो में बात करेंगे BSTC 2022 का सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करके पूछ रहे कि BSTC 2022 का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस हमें बता दीजिए, और किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या टॉपिक रहेंगे। आज के वीडियो में हम डिटेल के माध्यम से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और BSTC 2022 की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, 450 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे क्लासेस भी मिलने वाली है और हर प्रकार की न्यू अपडेट जो BSTC 2022 से जुड़ी हुई है सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, BSTC 2022 की न्यू अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे BSTC का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके बारे में। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मेंटल एबिलिटी, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग के 150 नंबर का आएगा, यानी 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के और 150 नंबर का ही होगा, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 600 नंबर का पेपर होगा और इसके अंदर 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। यानी जिसके अंदर टॉपिक आप लोग देख लीजिए, रीजनिंग एनालॉजी और उसके अलावा विभेदीकरण, रिलेशनशिप, इससे जुड़े हुए जितने भी रीजनिंग है, ज़्यादातर देखिए ज़्यादातर 90% रीजनिंग होंगी। हाँ, कुछ नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बाकी टॉपिक यहाँ पे आपको दिए हुए, इन्हीं टॉपिक से आपका पेपर बनेगा, ठीक है। सेकेंड ये हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सामान्य जानकारी। देखिए राजस्थान का जो GK आएगा वो ऊपर से आएगा, जितना डीपली नहीं पूछा जाएगा। इसके अंदर जितने भी टॉपिक दिए गए वो टॉपिक आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और राजस्थान GK से आएंगे और इसमें 300 नंबर के हो गए। यानी अगर ये दो पार्ट आप कर लेते हैं तो आप 300 के अंदर 250 प्लस आराम से कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादातर स्टूडेंट के 150 में से 135 प्लस आते हैं, जो आराम से तैयारी करके जाते हैं, जिनका बेस मजबूत है। उसके बाद हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप प्लस टू के बाद आते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रहती, तो इसके लिए आप लोग मार्केट में जो नॉर्मल बुक आती है वो ले लीजिए और उसमें आप लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे ना, उससे पता चलेगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, वो चीज़ों को आप सुधारोगे। शिक्षण अभिक्षमता से 50 क्वेश्चन आएंगे और ये 150 नंबर का होगा, तो आप लोग ये बुक से जरूर कर लीजिए। बाकी रीजनिंग की आपके पास बुक है या बुक नहीं है तो आप लोग परचेज कर लीजिए, और राजस्थान GK भी आप लोग ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हमने आपको बता दिया 150 क्वेश्चन का, जो 450 नंबर का, अभी यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चन, जिसके अंदर 20 इंग्लिश के फिक्स है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन फिक्स है, और हिंदी या संस्कृत जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, हिंदी या संस्कृत जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, और ये भी 150 नंबर का काम रहेगा। तो इंग्लिश के टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं और ये 60 नंबर का है, 20 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1-3 नंबर का। उसके बाद संस्कृत या हिंदी, ज़्यादातर बच्चों की 90% से ज़्यादा बच्चों की हिंदी होती है, तो हिंदी के 90 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 30 क्वेश्चन आएंगे और 90 नंबर का होगा, 60 इंग्लिश के हो गए और 90 नंबर हो गए हिंदी या संस्कृत के, तो टोटल 150 नंबर का काम ये रहेगा आपका लैंग्वेज का। हिंदी के अंदर सारे टॉपिक दिए गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, फिर से आपको बता देता हूँ, 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग के, 150 नंबर का होगा, और 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे राजस्थान GK के, ठीक है, और ये भी 150 रहेगा। उसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके जो शिक्षण अभिक्षमता के होंगे और ये भी 150 रहेगा, 20 आपकी इंग्लिश हो जाएगी और ये 60 नंबर का, और हिंदी या संस्कृत में आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि 90 नंबर के, टोटल आपका 200 क्वेश्चन, 600 नंबर का आपका पेपर होगा। और अगर आपको बताएं कि 400 प्लस आप लोग स्कोर करते हैं तो आपको नज़दीक में कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि कट ऑफ इस बार 400 के अराउंड रहने वाली है। लास्ट ईयर कम गई, कारण था कि लेवल 1 और लेवल 2 का जो केस चल रहा था, जिसके कारण जो है BEd और BSTC वो जो विवाद चल रहा था उसको लेके कट ऑफ कम गई थी, लेकिन इस बार 400 प्लस
और 450 अगर आप लोग स्कोर करते हैं तो आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना और लगातार अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।